वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस आज है वीडियो नंबर 5 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं रिवैल्यूएशन क्या होता है। ओके तो चलो मेरे साथ साथ लिखो आप रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो ये है आज का हमारा टॉपिक। बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला बात तो इंटरेस्टिंग होना जरूरी है और ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके करके भी अच्छा लगेगा और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अभी तो हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 4 है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब आप चैप्टर 5 करोगे जो कि है एडमिशन, फिर आप करोगे रिटायरमेंट, फिर करोगे डिसोल्यूशन, डेथ, ये सब जो भी होगा है कि नहीं, सारे चैप्टर में ये वाला टॉपिक है रिवैल्यूएशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके तो चलो ये बेस माना जाता है, ये बेस ही है। अभी स्टार्ट हो रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, स्टार्ट हो रहा है ये चैप्टर 4 में स्टार्ट हो रहा है और ये चलता जाएगा। ओके ये रिवैल्यूएशन टॉपिक चलता ही जाएगा बुक के एंड तक। ओके वॉल्यूम 1 के एंड तक। तो चलो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं होता क्या है। तो नाम से ही पता चल रहा है रीवैल्यू करना है। ठीक है रीवैल्यू फिर से फाइंड आउट करना है। ओके या फिर रीचेक भी आप बोल सकते हो, रीचेक। ओके तो देखो सबसे पहली बात चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है तो जब एक पार्टनर रहता है, मान लो पार्टनर है A:B:C, इसका रेशियो है 1:2:3। अब ये लोग क्या चाहते हैं, हम लोग अब चेंज करें, है कि नहीं। ये लोग यही चाहते हैं कि अब चेंज करना चाहते हैं, है कि नहीं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं। अब ये चाहते हैं कि हम लोग करेंगे 3:2:1। तो इसमें क्या होगा, किसी का फायदा होगा है कि नहीं, किसी का नुकसान होगा, कोई सेक्रीफाइस करेगा है कि नहीं, और कोई कुछ भी नहीं करेगा, एकदम बराबर जैसा था वैसा ही रहेगा है कि नहीं। तीन कंडीशन हो सकते हैं, किसी का फायदा हो सकता है, किसी का नुकसान हो सकता है और किसी का कुछ नहीं, किसी का कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा चेंज होने से है कि नहीं। तो देखिए अब देखो ये क्यों किया जाता है रिवैल्यूएशन, क्योंकि मान लो आपके पास जो प्रॉफिट है, मान लो एक तो आपके पास प्रॉफिट है या फिर लॉस भी हो सकता है कि नहीं। लॉस भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना प्रॉफिट ही हो, लेकिन जनरली प्रॉफिट ही होता है बिजनेस से, तो प्रॉफिट ही होगा है कि नहीं। तो प्रॉफिट है या फिर लॉस है या फिर कोई आपके पास रिजर्व है कि नहीं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बहुत सारे रिजर्व देखे है कि नहीं। तो या फिर आपके पास कोई रिजर्व है, तो इसको अगर कोई प्रॉफिट है, अगर कोई रिजर्व है, तो इसको पहले डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ना। आप अगर चेंज कर रहे हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर आप चेंज कर रहे हो तो उसके पहले आपको चेक करना होगा। ओके अगर कोई प्रॉफिट हुआ, कोई रिजर्व है, तो इसको ओल्ड पार्टनर तो वही है, एडमिशन तो हो नहीं रहा है। ओके ये एडमिशन में आएगा आपका बात ओल्ड पार्टनर में, तो आपका जो रेशियो है वो चेंज हो रहा है अब तो है कि नहीं। तो चेंज होने के पहले ओके आपको क्या करना होगा, ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना होगा। किसको, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट को, लॉस होगा तो बियर करेंगे जो पार्टनर है, और रिजर्व है तो रिजर्व को। तो ये सब तो दिखता रहता है कि नहीं। ये तो पता चल जाता है कि हाँ प्रॉफिट है, प्रॉफिट बांट लिया कब, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के पहले ही। ओके मान लो ये आपका 12 मंथ का है, चलो 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10। तो ये है आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है अब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ चेंज हो रहा है मान लो अक्टूबर में। ओके यहाँ पे मान लो पार्टनर ने डिसाइड किया, पार्टनर था A:B:C, पार्टनर ने डिसाइड किया कि हम यहाँ चेंज करेंगे, हम अपना रेशियो चेंज करना चाहते हैं, हम पहले थे 1:2:3 से, अब रहेंगे हम लोग 3:2:1 से। तो यहाँ पे आपको इस जगह पे क्या करना होगा, आपको प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना होगा ओल्ड रेशियो में। ओके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना होगा। ठीक है
तो ये तो दिखता रहता है, ये रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेना होगा इसी जगह पे, तब आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से रेशियो आपका क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है, जो भी रेशियो है वो आपका चेंज होने वाला है। पहले था 1:2:3, अब यहाँ से आपका ये वाला चलने वाला है, तो उसके पहले आपको यहीं पे सब कुछ काम कर लेना होगा। तो ये तो चलो ठीक है, नंबर वन रिजर्व सॉरी प्रॉफिट है या फिर कोई लॉस है तो वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, ओके। नंबर टू कोई रिजर्व है तो कर लोगे। फिर आपको ध्यान देना होगा कोई एसेट, ओके, एसेट वगैरह, मान लो मशीन है, ठीक है, मशीन है, एसेट वगैरह, मशीन, बिल्डिंग, लैंड, ईटीसी। मशीन वगैरह का वैल्यू कैसा है, ओके, वैल्यू कितना है। मान लो अगर मशीन आप खरीदे थे, मान लो पहले जब आप खरीदे थे 2 साल 3 साल पहले मशीन आप खरीदे थे, मान लो कितना, ये चलो 2 लाख में, ओके, 2 लाख में आपने मशीन खरीदा था। तो अब आप यहाँ पे इस पॉइंट पे चेंज करना चाहते हो अपना रेशियो, तो आपको देखना होगा कि इस पॉइंट पे आपका मशीन का वैल्यू कितना है। तो मशीन का वैल्यू 2 लाख में खरीदे तो क्या पता 1.5 लाख हो गया हो, है कि नहीं, डेप्रिसिएशन लग लग के 1.5 लाख हो गया हो। आपने बिल्डिंग खरीदा था, मान लो 10 लाख में बिल्डिंग खरीदा था, तो उस बिल्डिंग का इस जगह पे आके वैल्यू कितना हो गया हो, 10 लाख का था, मान लो 2 साल पहले खरीदा था आपने, ठीक है, अब हो चुका है 15 लाख बिल्डिंग का, है कि नहीं। तो आपको इस जगह पे आके रीवैल्यू कर लेना होगा हर चीज का, ओके, सारे एसेट का, और सिर्फ एसेट का ही नहीं, लाइबिलिटीज का भी, लाइबिलिटीज का भी। मान लो आपका कोई लाइबिलिटीज है, ओके, तो लाइबिलिटी आपका मान लो है, आपका लाइबिलिटी 1 लाख, 1 लाख लाइबिलिटी है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आके आपको देखना होगा कि अभी आपका लायबिलिटी कितना है, ये आपका स्टार्टिंग में था, अप्रैल में था 1 लाख, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर एंड में आके आपका लायबिलिटी अभी कितना है, अगर 1 लाख ही है तो ठीक है, अगर 1 लाख से 1.5 लाख हो गया है आपका लायबिलिटी तो आपको वो दिखाना होगा, है कि नहीं। चेंज, अगर आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हो तो वहां पे लायबिलिटी भी देखना होगा कि लायबिलिटी अप्रैल में था 1 लाख, अब सितंबर एंड में हो गया 1.5 लाख या फिर 50,000 ही हो गया, है कि नहीं। क्या होगा देखो, यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो एसेट हो चाहे लाइबिलिटी हो, है कि नहीं। अगर एसेट का वैल्यू, कोई एसेट है मान लो बिल्डिंग ही है, ठीक है, बिल्डिंग है 10 लाख का, ठीक है, तो कैसा, क्या क्या हो सकता है कंडीशन, 3 कंडीशन हो सकता है, या तो 10 लाख का 10 लाख भी हो सकता है, या फिर बिल्डिंग तो जनरली इंक्रीज ही होता है ना, लेकिन मैं ऐसे ले लेता हूँ कि हाँ क्या पता 9 लाख हो गया हो, है कि नहीं, और क्या पता आपका 12 लाख भी हो गया हो। तो ये 3 कंडीशन हो सकते हैं, है कि नहीं, 3 केसेस हो सकते हैं, है कि नहीं। लाइबिलिटी में भी ये 3 कंडीशन हो सकते हैं कि मान लो आपका लाइबिलिटी अप्रैल में था, ये अप्रैल का बात बता रहा हूँ, ओके, लाइबिलिटी आपका अप्रैल में था मान लो 1 लाख, 1 लाख का लाइबिलिटी आपके सर पे था, उधार सर पे था, ठीक है, तो ये 1 लाख भी रह सकता है। अब आप चेंज करना चाहते हो, ये अप्रैल का है, अब आप चेंज करना चाहते हो सितंबर में, ओके, सितंबर में आप चेंज करना चाहते हो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उस यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना होगा, है कि नहीं, कि लाइबिलिटी है कितना। तो क्या पता 1 लाख का 1 लाख ही है, या फिर 80,000 हो गया है कि नहीं, या फिर 1,20,000 हो गया है कि नहीं। तो कुछ भी हो सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है, इक्वल भी रह सकता है, तो इक्वल रहेगा तो कुछ करना ही नहीं है रिवैल्यूएशन में, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, और अगर घट गया बढ़ गया तो क्या करेंगे, ओके। तो देखो जरूरी नहीं, ये नहीं कि आपको सिर्फ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के वक्त ही रिवैल्यूएशन बनाना है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग के वक्त जब आप एडमिशन होगा, है कि नहीं, जब एडमिशन होगा तो आपको क्या करना होगा, आपको रिवैल्यूएशन करना होगा, जब आपका रिटायरमेंट होगा, रिटायरमेंट के वक्त आपको रिवैल्यूएशन करना होगा, है कि नहीं, डेथ के वक्त आपको रिवैल्यूएशन करना होगा, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के वक्त आपको रिवैल्यूएशन करना होगा। तो पूरा जो चैप्टर है, पूरा जो ये वॉल्यूम 1 है, ओके, पार्टनरशिप, हर वक्त रिवैल्यूएशन आपको करना ही होगा, है कि नहीं। आप खुद ही सोचो, मैं एक एग्जांपल, एडमिशन का ही एग्जांपल लेता हूँ, अभी एडमिशन में नहीं पढ़ा रहा, ओके, मैं बस जस्ट एन एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये आपका साल है, ओके, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, ये पूरा साल है, ठीक है।
अब ये पूरे साल में यहाँ पे पहले पार्टनर था मान लो ए इज टू बी इज टू सी, ठीक है, तो रेशियो था 2:3:1, है ना। अब यहाँ पे मान लो एडमिशन का मैं बात बता रहा हूँ, अब यहाँ पे मान लो कोई एक नया पार्टनर आ गया, न्यू, ठीक है, न्यू पार्टनर आ गया, न्यू पार्टनर डी, तो ये क्या सेम रहेगा? सेम तो रहेगा नहीं, है कि नहीं, कुछ तो बदलाव आएंगे इसमें। तो जब सेम नहीं रहेगा, जब इन्होंने कुछ प्रॉफिट वॉफिट कमाया होगा, तो क्या डी को आप दोगे क्या उसमें से? डी को तो नहीं दोगे। मान लो यहाँ पे चेंज करना चाहते हो और यहाँ पे ये तीनों ने मेहनत मशक्कत करके इन तीनों ने 10 लाख रुपया कमाया है, ओके, 6 महीना में, अब डी आ गया सितंबर एंड में, तो आप क्या डी को भी दे दोगे क्या 10 लाख में से? नहीं दोगे, है कि नहीं। डी का काम कब से शुरू होगा? डी का यहां से शुरू होगा, 1 अक्टूबर से डी का हिस्सा शुरू होगा, कि हाँ डी आया तो हिस्सा शुरू होगा, तो प्रॉफिट तो पता चल जाता है, रिजर्व तो पता चल जाता है, लेकिन क्या पता आपका बिल्डिंग है उसका रिवेल्यू करो, एसेट, कोई भी एसेट हो, बिल्डिंग मतलब क्या, कोई भी एसेट हो या फिर कोई भी लाइबिलिटी हो, ठीक है, नहीं सबको रिवेल्यू कर दो, कि हाँ अप्रैल में सबका वैल्यूएशन कितना था या 2 साल पहले कितना था, और जब नया पार्टनर एक आ रहा है, ओके, तब कितना, तो वहां से शुरू होगा, तब सही रहेगा, है कि नहीं, तब यहाँ से शुरू होगा तो सही रहेगा। तो ये तो एडमिशन में हम लोग पढ़ेंगे, अभी बस आप इतना जान लो कि अभी हम लोग कर रहे हैं ये वाला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव आता है, तो माना जाता है कि पार्टनरशिप फिर से शुरू हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है कि नहीं। तो उसके पहले हमें क्या करना है, रीवैल्यूएशन, है कि नहीं, सिर्फ प्रॉफिट का ही नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस तो पता चल जाता है, रिजर्व तो पता चल जाता है कि नहीं, रिजर्व तो पता चलता है, जो भी एसेट है और जो भी लाइबिलिटीज हैं उनका भी देखना है, कि हाँ आज के डेट से, इस डेट से मान लो चेंज हो रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज हो रहा है, अब यहाँ से सब कुछ अलग हो जाएगा, है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करना होगा, रिवैल्यूएशन। तो चलो कुछ जर्नल एंट्रीज हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है, चलो। तो समझ में आएगा कॉन्सेप्ट, ओके। तो देखो क्या होगा, होगा ये कि सबसे पहले अकाउंटिंग एंट्रीज, ठीक है, तो अकाउंटिंग एंट्रीज का पहला लिखो क्या हो सकता है, एक होता है आपका क्या होता है, एसेट, और एक होता है लाइबिलिटी, है कि नहीं। तो चलो पहले एसेट का काम कर लेते हैं, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। अब रिवैल्यूएशन के समय पता चला कि एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। होगा, लैंड होगा आपका, मान लो लैंड होगा, लैंड 10 लाख का है, 12 लाख हो गया, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, बुरी बात है, अच्छी बात है कि नहीं। तो रिवेल्युएशन अकाउंट करना है, और रिवेल्युएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है ये जान लो आप पहले, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, रिवेल्युएशन अकाउंट इक्वल टू नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यह नॉमिनल अकाउंट का, रिवेल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट है, तो एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कोई भी एसेट होगा इंक्रीज हो रहा है, तो रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा, और जो एसेट इंक्रीज हो रहा है वो डेबिट में आएगा। तो इसका आप लिख लो, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवेल्यूएशन अकाउंट, है कि नहीं। तो समझ में आया, रिवेल्यूएशन क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि इनकम हो रहा है, गेन हो रहा है, अच्छा है ना, एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो एसेट बढ़ रहा है तो अच्छी बात है ना। नंबर टू, एसेट बढ़ रहा है, एसेट घट भी तो सकता है, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, डिक्रीज हो रहा है, तो अब इसका उल्टा, डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉस, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी एसेट डिक्रीज हो रहा है उसका नाम लिख देना। हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल करने से तो पूरा 100% क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं।
तो ये रहा एसेट का काम। तो वन और टू एसेट का काम हो गया, तो लाइबिलिटी को छोड़ देंगे क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे लाइबिलिटी को, है कि नहीं? तो नंबर थ्री, फॉर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ए लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी इंक्रीज होना अच्छी बात है या बुरी बात है? लाइबिलिटी बढ़ गया, लाइबिलिटी था 2 लाख का, ओके, अब हो गया 2.5 लाख, तो ये अच्छी बात है? नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है? लाइबिलिटी इंक्रीज होना अच्छी बात नहीं है। तो क्या होगा, क्या लिखेंगे हम लोग? डेबिट पहले उल्टा उल्टा कर देंगे। इसमें क्या है, लाइबिलिटी एसेट इंक्रीज होने से रिवैल्यूएशन को क्या करते थे हम लोग? क्रेडिट करते थे, अब रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे इसमें, ठीक है? तो लिखो आप, क्योंकि डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉस है ना, लॉस हो रहा है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट, ठीक है? तो ये तो हो गया इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? अब लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो लाइबिलिटी डिक्रीज भी हो सकता है। तो नंबर फोर, फॉर डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, तो डिक्रीज होने से क्या होगा? इसका उल्टा, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है कि नहीं? हमारा लाइबिलिटी था 1 लाख रुपया, अब लाइबिलिटी 20 हजार ही बचा हुआ है, बाकी सब चुकता हो गया, तो अच्छी बात है कि नहीं? तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? अब देखो रीवैल्यूएशन, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये चार तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक रीवैल्यूएशन अकाउंट भी आपको बनाना है कि नहीं? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखो क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, रीवैल्यूएशन अकाउंट अभी यहाँ पे और एंट्री आएगी, ओके, मैं यहाँ पे बनाता हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये भी अलग अलग मैं सिखा ही देता हूँ, सही रहेगा, ठीक है? ठीक है, तो यहां पे आपका आ जाएगा अमाउंट, अमाउंट और पर्टिकुलर्स, ठीक है? तो देखो ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो जो भी एसेट इंक्रीज होंगे, ठीक है, ये डेबिट ये क्रेडिट, तो ध्यान से सुनना, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो भी एसेट इंक्रीज होंगे, अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है? और एसेट डिक्रीज होंगे, एसेट डिक्रीज, एसेट का वैल्यू डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है? तो एसेट डेबिट साइड में लिखेंगे ना, एसेट डिक्रीज होने से एसेट डेबिट में लिखते हैं ना, एसेट डिक्रीज हो रहा है तो एसेट डेबिट में लिखते हैं, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो एसेट क्रेडिट में लिखते हैं, है ही नहीं? सॉरी, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में लिखते हैं, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में, है ही नहीं? और एसेट डिक्रीज हो रहा है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में, ठीक है? तो देखो एसेट इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट में लिखेंगे, एसेट डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट। मान लो मशीनरी 1 लाख से 1.5 लाख हो गया, तो एसेट है, यहां लिख देंगे। मशीन अगर मशीनरी 1 लाख से 80 हजार का हो गया तो इधर लिख देंगे, है कि नहीं? कितना डिक्रीज हुआ है, तो एसेट का काम ये रहा। सेम वैसे ही लाइबिलिटी का भी मैं बताता हूं, अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हुआ तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ तो हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हुआ तो डेबिट, लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या आएगा, कुछ ना कुछ तो अमाउंट तो आएगा ना। मान लो यहाँ पे आ गया 5 लाख, ठीक है, और यहाँ पे आ गया 3 लाख, ओके, इस साइड आ गया डेबिट साइड 3 लाख, इस साइड 5 लाख, तो हमारा अच्छा है ना, क्रेडिट साइड बड़ा आ रहा है कि नहीं? तो क्रेडिट साइड बड़ा आ रहा है मतलब इट्स ए पॉजिटिव थिंग, पॉजिटिव आ रहा है, अच्छा आ रहा है, ठीक है? क्रेडिट साइड बड़ा आ रहा है मतलब एसेट ज्यादा है, हमारा कमाई अच्छा हुआ है कि नहीं? तो 5 लाख, 5 लाख यहां पे आ जाएगा टू प्रॉफिट, ट्रांसफर, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है? प्रॉफिट इधर आ जाएगा, कितना का प्रॉफिट? 5 लाख से 3 लाख गया, 2 लाख का प्रॉफिट, और बाकी जो भी पार्टनर होंगे ए बी, ठीक है, वो ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएंगे, ओके? जो भी पार्टनर होंगे उनको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे हम लोग, ठीक है? उसी तरीके से इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। मान लो कभी डेबिट साइड बड़ा हो गया,
है कि नहीं, इधर 5 लाख हो गया, इधर 3 लाख हो गया, तो इधर क्या लिख देंगे हम लोग, इधर लिख देंगे टू लॉस, समझ रहे हो ना बात को। ओके, कि अगर यहाँ 5 लाख है तो अच्छी बात है कि नहीं, क्या पता डेबिट साइड बड़ा हो गया है कि नहीं, एसेट डिक्रीज हो रहा है, ज्यादातर एसेट डिक्रीज हो गया, लाइबिलिटी बढ़ गया हमारा, तो मुश्किल हो जाएगा है कि नहीं, तो क्या करेंगे, लॉस आ जाएगा तब तक, तो लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो जो भी ए और बी पार्टनर है उनको लॉस ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो ये तो हो गया है कि नहीं, तो प्रॉफिट या लॉस कोई एक तो होगा है कि नहीं, तो देखो अब देखो फिर जनरल एंट्री लिखो आप, चार वहां पे हो गया था, पांचवा पांचवा में लिखो आप फॉर ट्रांसफर ऑफ इफ टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन टोटल ऑफ डेबिट साइड, मतलब गेन, इफ देयर इज गेन और प्रॉफिट, सीधी बात है प्रॉफिट, या फिर और आप लिख सकते हो और टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन टोटल ऑफ डेबिट साइड, ठीक है, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ज्यादा है तो अच्छी बात है, हमेशा याद रखना, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो अच्छी बात है, तब तो हम लोग का बहुत सही चल रहा है बिजनेस। ओके, तो इसका एंट्री क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे इसका एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो ये तो हो गया प्रॉफिट का भाग। ओके, क्या पता लॉस आ जाए तो उसको भी देख लो आप, इफ देयर इज लॉस, ओके, तो अगर लॉस होगा और टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, तो अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड का कम है तब तो गड़बड़ है कि नहीं, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, तब आपको बियर करना पड़ेगा, तो पार्टनर से ऊपर चल जाएगा, रिवर्सन नीचे आ जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, तो चलो अब आगे हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए करते हैं एक प्रैक्टिकल, तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी और जर्नल एंट्री भी। ओके, तो ये रहा बुक और ये रहा प्रैक्टिकल। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। ओके, इसमें बहुत कुछ है, एडजस्टमेंट भी बहुत ज्यादा है। ओके, तो आपको सीखने को भी ज्यादा मिलेगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पेज नंबर 4.43 टीएस ग्रेवाल, हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो चलिए, करीम रहमान एंड नावेल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2, ठीक है, देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 स्टूड एज फॉलोज, तो ये बैलेंस शीट दिया हुआ है, एसेट लाइबिलिटी, ओके, बिल्डिंग मशीनरी कंप्यूटर इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू 90,000 है, अभी था 1 लाख का, सन्ड्री डेटर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, ओके, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस मीन्स डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यही एक तो है कि नहीं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो और फिर कैपिटल करीम रहमान नावेल का, जनरल रिजर्व भी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR हम लोगों ने किया है। ओके, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो प्लीज जाके देखो वो वीडियो। ओके, सन्ड्री क्रेडिटर, चलो ठीक है, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, अब वो चाहते हैं कि 5:3:2 में नहीं, अब हम लोग इक्वली करेंगे। ओके, विथ इफेक्ट फ्रॉम WEF मीन्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे ऑल्सो एग्रीड दैट नंबर वन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बी डिक्रीज बाय 5%, वैल्यू ऑफ मशीनरी भी इंक्रीज बाय 5%। ओके, तो ये सारे हैं, एक एक करके हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे आएगा ट्रीटमेंट हम लोग वैसे वैसे करेंगे, बस यहाँ पे आपको पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो चलो पहले जर्नल एंट्री करेंगे फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। चलिए, तो जर्नल एंट्री स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ओके, कि अगर मान लो बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व है,
कुछ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हुआ, या फिर मान लो वर्कमैन कंपेंसेशन हुआ, या फिर गुडविल हुआ, तो इसको पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर को इन ओल्ड रेशियो। ओके, फिर काम आगे बढ़ेगा, फिर रिवेल्युएशन अकाउंट का काम स्टार्ट होगा। तो मैं ये चीज कॉन्सेप्ट में भी बता चुका हूं, मैं फिर बता रहा हूं, अगर कोई गुडविल है, ओके, अगर कोई पीएफजी है, प्रीमियम फॉर गुडविल, अगर कोई रिजर्व है, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, चाहे वो आईएफआर हो, चाहे वो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हो। आईएफआर मींस, सॉरी, आईएफआर, ओके, हाँ, आईएफआर मींस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ओके, तो अगर कुछ ऐसा है तो पहले उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर में इन ओल्ड रेशियो, क्योंकि नया चेंज होने वाला है ना रेशियो, मैंने ये कॉन्सेप्ट में बताया है आपको। तो चलो पहले जर्नल एंट्री करते हैं, इसको खत्म करते हैं। पहले क्या है, क्या बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है आपको ढूंढना है? जी हाँ, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, कितना है? 60,000। तो पहले ये बांट लेंगे ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर कौन है? करीम, रहमान और नावेद। तो ओल्ड पार्टनर मतलब क्या है, ये एडमिशन तो हम लोग कर नहीं रहे, तो इसमें पार्टनर यही है, रेशियो चेंज हो रहा है, तो रेशियो चेंज होने के पहले ही इसको बांट लेंगे। ओके, तो ओल्ड पार्टनर जब एडमिशन करेंगे, देखो एडमिशन, आप अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप सीख लिए तो एडमिशन आपके लिए कुछ भी नहीं, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, तो चलो जर्नल एंट्री, क्वेश्चन नंबर है आपका 21, 21। ओके, पेज नंबर है आपका 4.43, जर्नल एंट्री। ओके, तो जर्नल एंट्री में सबसे पहला कुछ जर्नल रिजर्व है? जी हाँ बिल्कुल है। ओके, कहाँ पे है ये रहा। तो जर्नल रिजर्व नंबर वन जर्नल करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कौन कौन है? करीम्स कैपिटल अकाउंट, मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिखूंगा, टू रहमान्स कैपिटल अकाउंट, टू नागर कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व कितना है? 60,000। अब इसको बांटेंगे इन ओल्ड रेशियो। ओके, याद रखना आप लिख लो, तो 60,000 है मल्टीप्लाई ओल्ड रेशियो, कितना है? ओल्ड रेशियो है आपका 5:3:2, तो मल्टीप्लाई 5/10, टोटल 10 हो गया, 5 + 3 + 2 10 होता है। ओके, ओल्ड रेशियो कितना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 5:3:2, ठीक है, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 5/10। तो पहला वाला के लिए हो गया 30,000। ओके, करीम के लिए 30,000, फिर इसके लिए कितना, रहमान के लिए 67 × 3/10, ये हो गया आपका 18,000। फिर नागर के लिए आपका जो बच गया वही कर देते हैं मल्टीप्लाई 2/5, तो 12,000 हो गया। तो ये तो हो गया आपका जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया इन ओल्ड रेशियो। ओके, नंबर टू, ठीक है, तो फास्ट करेंगे। अब क्या है, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट कुछ है? हाँ, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है मतलब क्या, ये आपका बांट नहीं रहा है, ये बियर करेंगे लोग, है कि नहीं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि नहीं, एक्सपेंडिचर है। तो देखो यहां पे है बैलेंस शीट में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 5,000 रुपए, तो ये बैलेंस शीट में है? जी हाँ है। तो ऐसा कुछ है तो इसको पहले खत्म करेंगे, बांट लेंगे, बांट नहीं लेंगे, ये बियर करेंगे, क्योंकि ये आपका क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ओके, इसीलिए जो भी पार्टनर वो डेबिट होंगे, ये बांटने का तो क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है इनके अकाउंट में, अब डेबिट करेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट रहमान कैपिटल अकाउंट डेबिट नागर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि ये बियर कर रहे हैं लोग, ये लोग भरेंगे, 5,000 रुपया है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस में, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है ये, है कि नहीं? यही एक तो है जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है, जो एक साल में खत्म नहीं होता है, ये कम से कम इसको 4-5 साल लगते हैं, है
है कि नहीं, खत्म होने के लिए। तो आपका क्या है, 5,000 रुपया है आपका, तो ये सब भरेंगे कौन रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो 5,000 मल्टीप्लाई 5 बाय 10, 2,500। फिर 5,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 10, 1,500। फिर कितना हो गया, 2,500 1,500 51,000। ठीक है, तो ये भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, हमें यही सब देखना है कि अगर देखो अगर गुडविल है, ठीक है, तो हमें इसको खत्म करना होगा, है कि नहीं। पीएफजी है, पीएफजी है तो इसको खत्म करना होगा, है कि नहीं। कुछ रिजर्व है, इसको खत्म करना पड़ेगा। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, इसको खत्म करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो ये जो चीजें हैं ना, इस चीजों को हमें राइट ऑफ कर देना होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा। अगर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जैसे कि आपका हो गया एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तो उसको बियर करेंगे लोग, है कि नहीं। तो पहले ये सब को खत्म कर देते हैं। ओके, तो पहला दो हो गया। और कुछ है? जी हाँ बिल्कुल है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है कि नहीं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है, देखो था कैसे, ये कैसे करते हैं हम लोग, मैंने कराया है। अगर आप लोग नहीं देखे हो वीडियो, तो जाके प्लीज देखो वीडियो। ओके, तो इन्वेस्टमेंट कितने का था, 1 लाख का किया था। अब उसका मार्केट वैल्यू आज के डेट पे कितना है, 90,000। अब 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया और उसका मार्केट वैल्यू हो चुका है 90,000, तो ये अच्छी बात है? जी नहीं, अच्छी बात नहीं है, 10,000 रुपया घटिया। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास रिजर्व है, हमारे पास 30,000 रुपया तक का रिजर्व है। तो 30,000 रुपया तक का रिजर्व है, तो 10,000 रुपया हम इसमें मेकअप कर सकते हैं, है कि नहीं। तो चलो कैसे होगा इसका, मैं बताता हूँ आपको। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का शॉर्टकट में लिख रहा हूं, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू करेंस कैपिटल अकाउंट, टू रहमान्स कैपिटल अकाउंट, टू मार्फेंस कैपिटल अकाउंट। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितना था, रिजर्व में हमारे पास था 30,000, है कि नहीं। ये रहा 30,000 रुपये रिजर्व में था, 30,000 रुपये रिजर्व में था, 30,000 रुपया रिजर्व बता। अभी हमको चाहिए कितना, हम लोगों को 10,000 रुपया चाहिए, क्योंकि 90,000 हो चुका है मार्केट वैल्यू। तो 10,000 रुपया और ऐड कर देंगे, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, तो 1 लाख हो जाएगा। तो 10,000 रुपया तो हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो गया आपका 10,000 रुपया। बचा कितना, बचा कितना, रिजर्व था 30,000 का, उसमें से 10,000 तो इधर चला गया, बचा 20,000। अब 20,000 ये तीनों क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 20,000 मल्टीप्लाई कौन से रेशियो में, 5:3:2, 5 डिवाइड बाय 10, तो ये हो गया 10,000। तो इसको फिर 10,000 लिख लो, ये 10,000 अलग है, ये अलग है। ओके, ये 10,000 जो आपका इधर कम हो गया था, 90,000 हो गया है मार्केट वैल्यू, तो उसको मेकअप करने के लिए 10,000, और बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब ये यहां से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यहां से इस जगह से करीब से। तो फिर 20,000 रुपया बचा हुआ था, मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 10, 6,000। फिर 20,000 रुपया मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 10, 4,000 रुपया हो गया, 30,000 30,000। ओके, अब हमारा काम शुरू होगा असली, अब असली काम शुरू होगा। चलो, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। नंबर वन, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बी डिक्रीज बाय 5%। अब देखो इसमें कुछ वर्ड है जो आपको ध्यान रखने हैं, वो ये है, मैं यहीं पे बताता हूँ, ठीक है। एक है बाय और एक है आपका टू और एट, ठीक है। तो जब टू और एट लिखा रहेगा ना, जैसे लिखा रहेगा मान लो डिक्रीज्ड बाय 5%, ठीक है, तो यहाँ पे आपको माइनस नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको माइनस नहीं करना है, सीधा फाइंड आउट करके लिख देना है। लेकिन अगर लिखा रहेगा सेंटेंस में टू या ऐड, तो आपको कैलकुलेशन करने होंगे, आपको माइनस करने होंगे, ये याद रखना आप। ओके, जैसे कि मैं अभी करके बताता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। ओके, कि बाय लिखा रहेगा तो आपको कोई कैलकुलेशन नहीं, सीधा लिख देना है कि ये माइनस करके दिया हुआ है। ओके, एडजस्टमेंट हो चुका है, इसका कैलकुलेशन हो चुका है, वो करके दिया गया, डायरेक्ट पुट कर देना है। और टू और ऐड लिखा रहेगा तो आपको कैलकुलेशन करने होंगे, माइनस करना होगा। ओके, तो देखो मैं करके बताता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे वैल्यू ऑफ बिल्डिंग भी डिक्रीज्ड बाय 5%,
बिल्डिंग का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 5% से। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग कितना, कितना बिल्डिंग का वैसे 3,50,000। तो 3,50,000 मल्टीप्लाई 5% कितना, 17,500। 5% 17,500 आ रहा है, तो सीधा 17,500 लिख देना है। ओके, इसमें आपको कुछ सोचना नहीं है, सीधा 17,500 आ रहा है तो 17,500 लिख देना। लेकिन अभी ये मशीनरी क्या है, बिल्डिंग क्या हो रहा है, ये बिल्डिंग डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो डिक्रीज हो रहा है तो रिवेल्यूशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि रिवेल्यूशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। क्या अकाउंट है, रिवेल्यूशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। तो ये है आपका रिवेल्यूशन अकाउंट, ठीक है। तो बिल्डिंग आपका क्या है, एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो डिक्रीज हो रहा है तो रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि रिवेल्यूशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का डेबिट का है आपका डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, आपका लॉस हो रहा है, ठीक है। तो एक नंबर यहां पे लिख देता हूं, एक मैं यहां पे लिख देता हूं, नंबर 5, रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लैंड, लैंड नहीं क्या है, बिल्डिंग है, लैंड बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग है, ठीक है। तो बिल्डिंग जो है डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है तो बिल्डिंग डिक्रीज हो रहा है, तो बिल्डिंग क्रेडिट होगा। कितना डिक्रीज हो रहा है, सीधा 5%। और आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सीधा वैल्यू का 5% निकाल के लिख दे रहा है, जो कि 17,500। ओके, किसका, ये रहा बिल्डिंग, 3,50,000 का 5% 17,500, और कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अगर टू और एड रहेगा तो दिमाग लगाना होगा, आपको माइनस करना होगा, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बिल्डिंग हो गया। अब वैल्यू ऑफ मशीनरी भी इंक्रीज, मशीनरी एसेट है, मशीनरी इंक्रीज हो रहा है तो एसेट हमेशा डेबिट होता है कि नहीं। और उस तरीके से अगर सोचोगे तो रिवेल्यूशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट आपका क्या है, अभी क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो अच्छी बात है, मशीनरी इंक्रीज हो रही है तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, गुड न्यूज। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि मशीनरी इंक्रीज हो रहा है। कितना रुपया इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज बाय, इसमें भी बाय लिखा हुआ है, तो बस आप मशीनरी कितना है, 2,40,000 का 5%। तो 2,40,000 का 5% होगा कितना होगा, 2,40 × 5% 12,000, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी क्रिएटेड एट द रेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर। अब सन्ड्री डेटर जितना है उसका 5% डाउटफुल डेट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, क्या पता पैसा दे या ना दे, ऐसा हो रहा है। तो सन्ड्री डेटर है आपका 50,000, 50,000 का 5% पहले आप फाइंड आउट करो, है ना, 50,000 का 5%, 50,000 × 5% 2,500। अब 2,500 रुपया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है कि नहीं, तो आपका क्या हो रहा है, रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, आपका लॉस हो सकता है, डाउट में है। ओके, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में क्या है, हो सकता है प्रोविजन, ओके, प्रोविजन मतलब हो सकता है कि 2,500 रुपया डेटर से ना मिले, डेटर हमारे एसेट है कि नहीं, और एसेट क्या है, हमारा डिक्रीज होना हो सकता है, तो पहले ही लिख दो, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ओके, तो हम क्या कर दिए, एसेट को क्रेडिट कर दिए, रिवेल्यूशन डेबिट कर दिए, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, लॉस हो सकता है 2,500 रुपया का। ओके, चलो नेक्स्ट, ए मोटरसाइकिल वैल्यूड एट 20,000, मोटरसाइकिल का वैल्यू 20,000 वाज अनरिकॉर्डेड, रिकॉर्ड नहीं है, ओके, अनरिकॉर्डेड एसेट है ये, अनरिकॉर्डेड एंड इज नाउ बी रिकॉर्डेड, अब रिकॉर्ड होगा, तो ये कहाँ होगा, बैलेंस शीट में होगा, पर इसमें तो बैलेंस शीट बनाना नहीं है, जब मैं बैलेंस शीट करवाऊंगा वो भी सिखा दूंगा, तो इसको अभी नहीं करना है, साइड करो। नंबर 5, आउट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर, जो भी है सन्ड्री क्रेडिटर 90,000 है, आउट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 इज नॉट पेएबल, हेंस इट इज टू बी रिटर्न बैक। चलो, 10,000 रुपया हमें पे नहीं करना है, अच्छी बात है, क्रेडिटर हमारा लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हमारा कम हो गया है कि नहीं, बच गए हम, 10,000 रुपया हमें नहीं देना है, अब नहीं मांगेगा वो, ठीक है, ओके, नहीं देना है, कुछ कारण होगा, नहीं देना है, तो नहीं देना है, अगर लाइबिलिटी कम हो गया तो अच्छी बात है,
तो अच्छी बात है, मतलब हमको कहाँ लिखेंगे, ऑल इनकम एंड गेन, क्या मतलब गेन हो गया है कि नहीं, तो रिवेल्यूएशन क्रेडिट करेंगे, तो रिवेल्यूएशन क्रेडिट करेंगे तो क्रेडिटर को डेबिट करेंगे, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है, तो लायबिलिटी हमारा कम हो गया इसलिए डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना कर रहे हैं, 10,000, 10,000, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, गुडविल टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज, चलो तो ये फाइंड आउट किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नावल वॉज टू कैरी आउट द वर्क ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटिंग द फंड एट द रेमुनरेशन, उसको रेमुनरेशन मिलेगा इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस 5,000 रुपया, 5,000 रुपया उसको रेमुनरेशन मिलेगा, सही बात है। तो हमारा थोड़ा डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉस, तो एक्सपेंसेस हो रहा है, रेमुनरेशन हमको देना है, कुछ किसको देना है, नावेल को 5,000 रुपया देना है, तो सीधा बात है डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉस, तो रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट में चला जाएगा और ये आपका टू बैंक आ जाएगा, बैंक से देते हैं हम लोग कुछ भी देते हैं, तो अब ब्रैकेट में लिख दो आप रेम्यूनरेशन, लिख दो ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में रेम्यूनरेशन लिख के 5,000, ठीक है। चलो और देखते हैं क्या है, और देखते हैं, एक चीज, वेट वेट वेट, एक चीज क्या, मोटरसाइकिल, ये मोटरसाइकिल वाला जो केस है ना, ये होगा, ये रिवेल्युएशन अकाउंट में आपका क्या है, ये जर्नल एंट्री तो करना होगा ना, भले रिवेल्युएशन अकाउंट में नहीं होगा लेकिन जर्नल एंट्री तो हमें करना है, रिवेल्युएशन अकाउंट में भी होगा, तो जर्नल एंट्री तो हमें करना ही है और रिवेल्युएशन अकाउंट में भी होगा, मुझे लगा था नहीं होगा। तो मोटरसाइकिल वैल्यूड एट 20,000 वॉज अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड है एंड इज नाउ रिकॉर्डेड इन द बुक्स, रिकॉर्ड होगा, ओके। तो हमें क्या करना है, मोटरसाइकिल अकाउंट एक नया एसेट आ रहा है, एसेट आ रहा है तो डेबिट होगा, रिवेल्युएशन क्रेडिट होगा, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो इनकम एंड गेन, तो एक मोटरसाइकिल आ रहा है, मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट, ठीक है, ओके। मैं उस समय दूसरा कुछ पढ़ लिया था शायद, तो मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना, 20,000 आ रहा है ना। चलो तो इधर तो कितना हो जाएगा, इधर 17,500 प्लस 2,500 प्लस 5,000, 25,000, 25,000 इधर और टू रिवेल्युएशन अकाउंट, इसमें आ जाएगा 20, 30, 40, 42,000, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, देखो मोटरसाइकिल वाला यहाँ पे अनरिकॉर्डेड एसेट है, अनरिकॉर्डेड होता है, ओके। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ना, अनरिकॉर्डेड होता है, ओके, तो ये मिस्टेक होने ही वाला था, बच गया। देखो मैं आपको तो बताता हूँ, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओके। मैं अपने कोचिंग में बच्चों को भी बोलता हूँ कि ये आपको बहुत जरूरी है, अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवेल्युएशन अकाउंट, तो हम लोग अनरिकॉर्डेड एसेट जो रिकॉर्ड नहीं था पहले से, अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवेल्युएशन अकाउंट, ओके। तो 4, 5 ये वाला हो गया, अब चलो अब देखते हैं आगे क्या है। अब हमें कुछ स्पेस छोड़ के कुछ वर्किंग करने होंगे, ओके। तो यहाँ पे छोड़ देता हूँ मैं, अभी दो जर्नल एंट्री और है, ओके। जर्नल एंट्री कौन सा, होता है 5, यहाँ पे एक 6 होगा, यहाँ पे एक 7 होगा, ठीक है, तो ये आप छोड़ दो। यहाँ पे हम लोग करते हैं कुछ वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 1, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ गेनी रेशियो, ठीक है। ओल्ड रेशियो कितना है, शॉर्टकट मैं लिखूंगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, सेक्रीफाइजिंग गेनिंग का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं। फिर कौन कौन है, आ गया क्वेश्चन, ये पहले तो है करीम, तो करीम में कितना है,
5/10, ये पूरा 10 हो जाएगा, तो 5/10 -1/3, तो ये आपका हो जाएगा 30, ये आपका हो जाएगा 15 -10, तो 5/30, तो पॉजिटिव आया सेक्रीफाइस, ठीक है, ये सेक्रीफाइस है। फिर आपका रहमान, 3/10 -1/3, तो ये आ जाएगा 30,000, ये आ जाएगा आपका 9 -10, 9 - कैसे, 10 3 जा 30, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, 10 1 जा 10, ठीक है। तो आता ही है आपको ये, है कि नहीं, कि हम लोग एलसीएम लिए 30 होगा, फिर 10 कितना बार में 30 आता है, 10 3 जा 30, ओके, तो 3 3 जा 9, ठीक है। उसके बाद ये आपका -1/30, तो माइनस में आ गया तो गेन। फिर नावेल का 2/10 -1/3 =30, 10 3 जा 3 2 जा 6 -10, तो -4/30, तो गेन, ठीक है। ये फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने वर्किंग नोट वन। अब चलो वर्किंग नोट टू फास्ट, ओके, क्या निकालना है ये देखो। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज एट ऑफ लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट, प्रॉफिट बीइंग फॉर ईयर एंडेड कितना है, 50,000 लॉस, माइनस करेंगे इसका 2.5 लाख और इसका फिर 2.5 लाख, तो कितना हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, -50,000 है, 50,000 लॉस में है, +2.5 लाख डिवाइड बाय 1, 2, 3, 3, तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 2.5 5 लाख, है ना, 5 लाख -50,000, 4 लाख 50,000, है ना, डिवाइड बाय 3, तो 4 लाख 50,000 डिवाइड बाय 3, 1.5 लाख, ये कितना आ जाएगा, 1.5 लाख। अब 1.5 लाख को हम लोग क्या रहे हैं, गुडविल, ये एवरेज प्रॉफिट था, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, ये सब हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है, इनटू, सॉरी, मल्टीप्लाई इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, फॉर्मूला आपको याद होना होगा, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने फाइंड आउट किया अभी अभी, 1.5 लाख मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज टू गिवन है, 3 लाख, 3 लाख रुपया आपका क्या आ गया, गुडविल, तो गुडविल 3 लाख रुपया आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे मैं करके बताता हूँ, करेंगे वर्किंग नोट 3, ओके। तो वर्किंग नोट 3 में क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्रेडिट ठीक है, कितना आ जाएगा, किसका है ये, वैसे करीम का, करीमी है ना, कितना है, 3 लाख मल्टीप्लाई 5/30, 5/30 आया था उसका, है कि नहीं, जिसका जो जो आया था वैसे कर, 5/30, 1/30, 4/30, तो इसका 5/30 आया था, तो 0 0 3 3 कैंसिल, 3 10, तो ये आ जाएगा 50,000, ठीक है। तो इसका क्या था, सेक्रीफाइस था, है ना, तो सेक्रीफाइस का हमेशा क्या होता है, क्रेडिट में होता है, ठीक है, जो पॉजिटिव आता है, और बाकी सबका, दोनों का डेबिट आता है, इसलिए मैंने ये क्रेडिट लिखा है, ठीक है, क्योंकि सेक्रीफाइस आया हुआ है तो क्रेडिट में होगा, और बाकी दोनों गेन हुआ है तो डेबिट में होगा, ओके, माइनस में आया है मतलब डेबिट में आएगा, गेन आ गया मतलब डेबिट में आएगा, रहमान और नावेद, तो डेबिटेड, डेबिटेड, तो कितना, किसका है, ठीक है, कितना, 3 लाख मल्टीप्लाई 3/30, 3/30 नहीं, सॉरी, कितना है, 1/30, ये 1 है, ठीक है, तो 1/30 का 10,000, ये गेन था इसलिए हम लोग डेबिट में लिखे हैं। फिर नावेल का 3 लाख मल्टीप्लाई कितना है, 4/30, इसको करेंगे 4,000, 40,000, तो ये डेबिट डेबिट, ये दोनों डेबिट होगा, रहमान अकाउंट डेबिट, नवेल अकाउंट डेबिट टू करीम अकाउंट, ठीक है। उसके बाद अब आ जाओ हम लोग एक काम करते हैं, रिवेल्युएशन अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है, फिर अभी जर्नल बाकी है, ठीक है, अभी जर्नल एंट्री बाकी है, रिवेल्युएशन अकाउंट, ठीक है, तो रिवेल्युएशन अकाउंट के लिए फॉर्मेट बना लो आप, बहुत ही आसान होता है रिवेल्युएशन अकाउंट, बहुत ही आसान,
आप बोलोगे सर इतना आसान? जी हाँ, डेबिट क्रेडिट रुपीज रुपीज पर्टिकुलर ठीक। अब देखो, देखना कुछ नहीं है, सीधी बात है। एसेट देखो, एसेट इंक्रीज होगा, मैंने पहले ही बताया था, मैं फिर बताया तो एसेट इंक्रीज होगा तो इधर, ठीक है, एसेट डिक्रीज होगा तो इधर, ठीक है, और लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो इधर, और लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो इस साइड, ठीक है, कई साइड मतलब कई डेबिट करते रहना है, ठीक है। अब देखो, इसमें तो उतना देखना ही नहीं है। अब देखो मैं टेक्निक बताया था, जैसे जर्नल एंट्री हम लोग किए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जर्नल एंट्री किए बिना करने से दिक्कत होता है, तो दिक्कत कुछ नहीं होता है, ये चीज आपको याद रखना होगा। एसेट इंक्रीज हो रहा है तो इधर लिख देना, एसेट डिक्रीज हो रहा है तो इधर, लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो इधर, क्रेडिट साइड में लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड में। अब देखो आप ढूंढो रिवेल्युएशन अकाउंट कहाँ कहाँ है, यहाँ रिवेल्युएशन अकाउंट है नहीं है, है नहीं है रिवेल्युएशन अकाउंट नहीं है रिवेल्युएशन अकाउंट, जी हाँ है, टू रिवेल्युएशन अकाउंट है, टू रिवेल्युएशन अकाउंट, और ये सब किसे बाय में है कि नहीं, तो सबको लिख दो बाय बाय बाय, है कि नहीं, बाय क्या क्या मशीन कैटर मोटरसाइकिल, बाय मशीनरी अकाउंट, बाय क्रेडिटर अकाउंट, बाय मोटरसाइकिल अकाउंट, मोटरसाइकिल अकाउंट कितना कितना है, 12 10 20, तो 12 हजार 10 हजार 20 हजार, है कि नहीं, क्योंकि ये एसेट है इंक्रीज हो रहा है इसलिए इधर लिखे, टिकट साइड में, ये लायबिलिटी है डिक्रीज हो रहा है इसलिए यहाँ लिखे, ये एसेट है इंक्रीज हो रहा है इसलिए यहाँ लिखे, तो एसेट इंक्रीज लायबिलिटी डिक्रीज क्रेडिट साइड में। अब इधर देखो रिवेल्यूशन अकाउंट ये रहा, टू है तो पूरा टू में लिख दो, तो हम लोग इधर लिखते हैं ना, टू बिल्डिंग अकाउंट 17,500, सिर्फ लिखने के लिखना है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,500, टू बैंक, टू बैंक अकाउंट रेम्यूनरेशन 5,000 हो गया। अब एसेट डिक्रीज हुआ, बिल्डिंग एसेट ही था, डेटर हमारा एसेट ही होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये डाउट में है, देगा कि नहीं प्रोविजन है, क्या पता दे या ना दे, हो सकता है कि ये ना दे, इतना रुपया हमें ना मिले तो हमारा एसेट घट गया, है कि नहीं, हमारा बैंक जो भी रेमुनरेशन था लाइबिलिटी है बढ़ गया तो हमें 5,000 रुपया लिखना पड़ा, ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। अब दोनों में से बड़ा कौन सा है, 20 10 30 40 42 हजार, इधर 42 नहीं है तो बड़ा यही है, 42 हजार 42 हजार, ठीक है, अब इसको माइनस करो, 42 हजार माइनस 17,500 माइनस 2,500 माइनस 5,000 17,000, 17,000, ठीक है। अब टू इधर बैलेंस आने से क्या लिखते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर, टू किसको किसको ट्रांसफर होगा, करीम नमन नाबिल, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, 17,000 मल्टीप्लाई 5 बाय 10 8,500, फिर 17,000 डिवाइड मल्टीप्लाई 3 बाय 10 5,100, फिर 17,000 मल्टीप्लाई 2 बाय 10 3,400, बढ़िया टोटल कर लो 17,000। तो ये है हमारा रिवेल्युएशन। अब रिवेल्युएशन अकाउंट हमारा प्रॉफिट में है, बस जैसे कि हम लोग जानते हैं प्रॉफिट में है, तो अब जर्नल एंट्री लिखने का टाइम आ चुका है, रिवेल्युएशन अकाउंट हमारा प्रॉफिट में है, तो हम लोग लिखते हैं रिवेल्युएशन अकाउंट डेबिट, कितना प्रॉफिट में है, 17,000, और 17,000 बांट लेंगे, ठीक है, टू करीम्स कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, टू मार्वल्स कैपिटल अकाउंट,
कितना 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 था? 8,500, 5,100, 8,500, 5,100, 3,400। अब एक और चीज कौन सा? ये वाला। डेबिट करेंगे रहमान और नवेल को, तो बस कर देते हैं डेबिट रहमान और नवेल को 10,000 40,000। तो रहमान कैपिटल अकाउंट डेबिट, नावेल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करीम अकाउंट, कितना? 50,000, बाकी 40 और 10 और 40, तो 10,000, 40,000। ठीक है, और इसका आप आराम से लिख सकते हो, इसका नरेशन बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, यही आंसर है, इसलिए मैं इसका लिख देता हूं, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सो यही था हमारा क्वेश्चन, बहुत ही आसान, कितना फास्ट हुआ है कि नहीं? हमने पहले रिजर्व को बांट लिया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस था, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो बियर करेंगे ये लोग, है कि नहीं? ये तो एक्सपेंडिचर है, ये कर लिए। फिर आईएफआर था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, है कि नहीं? तो उसमें 10,000 रुपया का हमें मेकअप करना था, वो तो ठीक था, है कि नहीं? 30,000 रुपया का था, 10,000 रुपया का मेकअप करना था, क्योंकि मार्केट वैल्यू 90,000 हो चुका था लाख रुपया से, है कि नहीं? मार्केट वैल्यू लाख रुपया से 90,000 हो चुका था, तो 10,000 रुपया तो इधर कर दिया मेकअप, और बचा 20,000, तो ये है वो 20,000, है कि नहीं? 30,000 में से 10,000 रुपया मेकअप कर दिए और बचा 20,000, तो ये 20,000 है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ गए रिवेल्यूशन अकाउंट में, यहाँ से रिवेल्यूशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। ओके, नॉमिनल अकाउंट का यही होता है रूल, है कि नहीं? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स आपको याद ही होगा, है कि नहीं? आपने 11 में बहुत पढ़ा है। फिर रिवेल्यूशन अकाउंट हम लोगों ने बनाया, ओके, फिर रिको प्रॉफिट हुआ 17,000 का, बांट लिए, ये आपका गुडविल वाला, ठीक है, ये वर्किंग नोट, ये आपका वर्किंग नोट, ये आपका रिवेल्यूएशन अकाउंट। ओके, सो गाइस, आज के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल।